कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आया। वहीं मंगलवार शाम को नगर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोरोना के प्रति जागरूकता फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जानकारी देते हुए SDM प्रिया वर्मा ने बताया कि जिस तरह से हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में व्यवस्था की थी, उसी प्रकार इस बार भी हमने तैयारी कर ली है। इसके साथ ही और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क की हिदायत लोगों को दी गई। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से SDM प्रिया वर्मा, तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका, SDOP ज्योति उमट, नगर परिषद CMO प्रमिला ठाकुर सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित थे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। निकाला गया जो कोरोना की तीसरी लहर जो संभावित है, उसके संबंध में जागरूकता एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे उनको मास्क वितरित किए गए हैं और जागरूक किया गया है कि तृतीय लहर आने के पूर्व ही हम सचेत हो जाएं, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जिस तरह से हमने पहली और दूसरी लहर में तैयारी की थी, वो तैयारियां अभी से चालू करने की आवश्यकता है। तीसरी लहर को देखते हुए मैडम, ब्लॉक में अभी क्या तैयारी की गई आपकी तरफ से? हमने पूर्व में जो भी तैयारी सेकेंड वेव में की थी, वही तैयारियाँ रिपीट की है। अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था की है हमने, और अस्पतालों में जो भी बेडिंग की व्यवस्था है और CCC सेंटर्स हमने बनाए हैं, तो जो जो व्यवस्था हमने द्वितीय लहर में की थी वही व्यवस्था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।